दोस्तों आज हम अपने धान के खेत में आए हैं। थोड़ा सा धान जिसमें लगा था, आपको मैंने अपने पहले पुराने वीडियो में बताया भी था कि जिस खेत में मैंने गन्ना बुआई किया था और खेत भर गया था पानी से, तो इसलिए मैंने उसमें धान लगाया था। और उस खेत में आज हम आए हैं, कौन सी वैरायटी लगी हुई है, कैसा धान है, आज बस यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जिससे मेरी जो गन्ने की फसल ख़राब हुई थी और मैंने समय रहते धान की बुआई रोपाई करवा दिया था, तो इसलिए धान कैसा है। देखिए यह है किसान भाइयों धान, और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि हाइट की बात की जाए तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4 साढ़े 4 फीट की ऊंचाई हो गई इसमें। एक शुरुआत में जो कमी थी वो तो आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया था। उसके बाद जो है जानवर जो सांड होते हैं या गाय बैल होते हैं वो खा गए थे, तो उधर इधर जो जहाँ पर नुकसान किया था, इधर क्या है कि ये देख सकते हो कि बाद में बालियाँ निकली हुई हैं, और बाद में जो बालियाँ निकली इसमें तना छेदक लगा हुआ, ये नुकसान हुआ। लेकिन शुरुआत की जो बाली निकली थी उसमें तना छेदक आदि कुछ नहीं नुकसान हुआ, केवल बस नुकसान क्या हुआ था कि इसमें चारों तरफ गन्ना, देखो इधर भी गन्ना है, चारों तरफ गन्ना, और इस खेत में भी गन्ना था, तो इसलिए इसमें हरी टिड्डी का प्रकोप बहुत था और गंधी ये कीट ज़्यादा लगा था। शुरुआत में तो एक आधी बाली निकली थी, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर गंधी ने नुकसान किया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने दवा डाली थी, दवा मैंने जो डाली थी वो फिप्रोनिल डाली थी और लैम्डा साइलोथ्रीन डाला था, तो दो दवाओं को मैंने डाला था, लेकिन मैंने कोई फफूंद नाशक नहीं डाला था क्योंकि मैंने यूरिया बहुत कम डाली थी, और उस आधार पर हम सोच रहे थे कि इसमें जो है हल्दी रोग नहीं लगेगा, फाल्स स्मट नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें फाल्स स्मट लगा, जिसके पीछे कारण है क्योंकि टेम्परेचर हाई था, वातावरण में नमी थी और उमस थी, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं वो उमस थी, और उमस के कारण ये फंगस जो है ज़्यादा फैलता है, इसलिए ये फंगस लगा हुआ है। यहाँ पर तो आपको कम दिखाई पड़ा होगा, कुछ जगह पे ज़्यादा लगा हुआ, तो इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है 1-2%, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाकी जो है यदि हम दिखाएं तो देखिए पानियर की 27 पीस 37 वैरायटी है, मध्य मोटा धान होता है, और बाली पक चुकी है। बाली को देखें तो हम बाली यहाँ पर पक चुकी है और अच्छा बिल्कुल चमकदार दाना है, तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है विशेष तौर पर, और अच्छी फसल है। गन्ना लगा था तो गन्ना जो पड़ा था जैसे पौधा, तो उसको मैंने छोड़ दिया था, बाद में सोच रहे थे कि निकाल देंगे लेकिन निकाला नहीं। यहाँ पर हवा जब चली थी, बारिश हुई थी पीछे पीछे, तो ये गिर गया था, इसलिए नीचे ना डूबे मैंने बंधाई कर दी थी। आपको यहाँ पर अगर हम थोड़ा पास से दिखाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बंधाई कर दी थी, तो ये गिरने से बच गया और नुकसान होने से बच गया। 2-4 जगह पर थोड़ा थोड़ा गिरा था, बाकी कोई नुकसान नहीं, अब कटाई करने योग्य हो गया है। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि लास्ट में आपको, जैसे मैं लास्ट में कुछ वैरायटियों के बारे में आपको डिटेल से दिखाता हूँ, और आपकी अपनी राय क्या है, बहुत से किसान भाइयों को पानीयर वैरायटी पसंद नहीं आती, बहुत से किसान भाइयों को पानीयर वैरायटी पसंद आती है, तो जो मेरे खेत में है मैं उसको दिखा रहा हूँ। देखो इधर देखें तो इधर देखो हल्दी रोग थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ, तो यहाँ पर देखो फाल्स स्मट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ, तो कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नुकसान इससे हुआ है। लेकिन अब जब ये बाली निकल गई थी और इस प्रकार से हल्दी रोग बाद में दिखना चालू हुआ, तो उस टाइम पर दवा डालना ना डालना कोई बनता नहीं था, क्योंकि ये लास्ट स्टेज में हमें दिखाई पड़ा, ये थोड़ा पहले दिखाई पड़ता, हल्का थोड़ा पहले दिखाई पड़ता तो मैं दवा को डालता। लेकिन मैंने सोचा कि यूरिया मैंने बहुत कम डाली, सीमित मात्रा में डाली, और जिसके कारण रोग नहीं लगेगा। हुआ क्या था कि जब मैं लास्ट में दवा डाला था, जैसे बाली निकलने के पहले, तो मैंने जो नैनो DAP है उसको डाला था, और उसमें जो है नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है, और वो लास्ट की नाइट्रोजन जो है उससे मैं सोच रहा था कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन दोस्तों नुकसान उससे भी हुआ, उससे भी फंगस फैला हुआ। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में ये आती है कि लास्ट में अगर हम यूरिया डालते हैं तो हल्दी रोग तो लगेगा, अब किसी भी इसमें हम नाइट्रोजन को डालते हैं तो हल्दी रोग लगना ही लगना है।